आज कौन बोल रहा है? क्या क्या बाला बाला कर जा रहा है, एक बार नहीं बोल सकता है तेरा बाप तक। बेटा जी मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं लोग? अरे ये नाम कैसा है? शैतान का साला। देखो नाम तो इसका है, देखा कितना अच्छा नाम है इसका। अच्छा ये बताओ कि शैतान के साले का क्या नाम है पुष्पा भाई? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। अब तुम बताओ शैतान के साले तुम काम क्या करते हो? मुंह काले करने का काम करते, बहुत अच्छा काम है। अच्छा ये बताओ कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है और कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? तो पढ़ा हुआ है, लेकिन पुष्पा भाई तुम बताओ कि तुम कहाँ पर पढ़े हो और कहाँ तक पढ़े हो? लगता है तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक नहीं, लगता है कि तुम अंगूठा टेक हो। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? अरे नहीं रे भैया, हम तुमको फ्लावर नहीं समझे, हम तो तुमको है ना विक्रम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझ रहे हैं। ओ सिद्धांत के साले, जरा पुष्पा भाई को बताओ कि तुम काम क्या कर रहे हो और क्या काम करते हो। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है मनहूस साला। तो और कुछ भी तो बताओ, तुम और क्या करते हो उसके अलावा? अरे काम के बारे में तुमने बहुत बता दिया। अच्छा बताओ बचपन में तुमको किसने पाला है और कैसा पाला है? अच्छा तुमको रब ने पाला है और हमको ऐसा लगता है कि राक्षसों ने पाला है क्या? बात तो सही है। पुष्पा भाई बालव के अंदर कितनी खासियत है, कितने सारे खूबियां हैं, तो अब बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं? आदमी अलग है रे। अरे पुष्पा भाई जितनी बत्ती देना उतनी बत्ती दो, खूब लंबी लंबी बत्ती दो, तुम्हारा रोक नहीं गया। तुम तो है ना तुम्हारे बारे में बड़ा चढ़ा की जानकारी बताओ। झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं वाला, एक ही डायलॉग मिलता रहो। इसके अलावा और क्या खूबी है तुम्हारे अंदर? दोस्तों जब तक ये अपनी खूबी बताए, जब तक है ना मेरा चैनल है ना अरुण के भाई अरुण, जब तक है ना मेरे चैनल को है ना अरुण की कॉमेडी को है ना सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। फायर है मैं। अरे फायर है, फायर है, बोल बोल के बता दिया। लेकिन ये बताओ तुम्हारे पिटने से अभी तक कौन बचा हुआ है? सिर्फ तू ही बचा है। अच्छा मैं दिख रहा हूँ पिटने के लिए है ना, मारने के लिए, और कुछ दिख रहा है तुमको? अच्छा ये बताओ कि तुमको मेरा मारने के लिए तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। ये बताओ पुष्पा तुम्हारे अंदर पाटने की शक्ति कितनी भरी हुई है? तू उसके भरो भाई, पूरी जानकारी कैद कर ली है मैंने मेरे दिमाग के अंदर तुम्हारी। सब एड़े चाले समझ रहा हूँ मैं, सब रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, सब तुम्हारी जानकारी ले ली। अब मैंने तुमको है दुनिया के आगे झुका दूंगा। हाँ सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, अब जमाना तुमको छोड़ने वाला नहीं है और मैं भी तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारा जमाना है मेरे पीछे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है सारा जमाना तुम्हारे पीछे पड़ा है, क्योंकि तुमको उनसे पैसे पैसे लेना है ना इसलिए। देखो तुमने मुझे सारी जानकारी दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब तुम बाला भाई से मत भिड़ना और है ना उनके फट्टे में टांग मत अड़ाना। हाँ इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाया, बाला के भी नहीं, मेरे भी नहीं। तो मैं पागल था जो है तुम्हारे जैसे मैं तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ। हाँ भैया कौन हो तुम बताओ, फटाफट बताओ कौन हो तुम? मैं इंडियन हूँ, इंडियन। अच्छा तुम इंडियन हो तो क्या मैं पाकिस्तान हूँ, अफगानिस्तान हूँ, तालिबानी हूँ क्या मैं? मैं भी इंडियन हूँ। हाँ अच्छा ये बताओ तेरा नाम क्या है? मालूम नहीं। अच्छा तुम इंडियन हो, तुम्हें तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम? अच्छा एक बता तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी उसका नाम तो बता दो। मालूम नहीं। गर्लफ्रेंड का नाम मालूम नहीं, खुद का नाम नहीं मालूम, पापा का नाम मालूम नहीं, मम्मी का नाम मालूम नहीं, तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो भाई? टाइम पास। ठीक है जानना पहचान, तू मेरा मेहमान, फिर भी मैं तुम्हारे से शादी करवाता हूँ, चलो मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाता हूँ। ये देख ले लड़की वाली चिंदी चोर है, मजा आ जाएगा तेरे जैसे। इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियाँ उठेगी। अरे मैं शादी की बात कर रही हूँ और तू झगड़े की बात कर रही है, एक बात बता देगी तुम शादी करना क्यों नहीं चाह रही है? बस मन से उठ गया इन सब चीजों से। अरे मन तो एक दो दिन के लुट जाता है, बाकी तो शादी करना तो जरूरी है। अच्छा एक बार उससे बात करके तो देख ले कैसी है वो। नहीं तो गुस्सा हो जाए, तो बहुत टेंशन हो जाएगा। एक बार उससे बात तो कर ले, उसका नाम तो देख ले, नाम तो सुन ले, उसका नाम बहुत खूबसूरत है, नाम है, सुन 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 नाम उसका, सुन रख दूंगा उससे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, लग दिन निशाने पे जा। अरे तेरी ऐसी 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 है ना चिंदी चोरी लड़की शादी करूंगा कि तेरे को मजा आ जाएगा तेरी जैसी बिल्कुल गुंडी लड़की से। हाँ एक बार देख तो ले। आपकी काबिलियत पर आपसे ज्यादा मुझे भरोसा है। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी काबिलियत पे तुमको बहुत यकीन है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, और तुमको है ना वो चकाचक कर देगी, तुमको गुंडे से ना हीरो बना देगी तुमको। हाँ और कुछ कहना है तुम्हें? समझा समझा कहेंगे। अच्छा एक बात बता, अगर अपन बारात ले जाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? आना चाहिए मजा। हाँ अब आए ना बैटर पे, अब मजा आएगा ना, मजा आएगा ना। अच्छा मैंने तेरी शादी नहीं करा दी। हाँ नहीं करा रही, लाशें बिछा दूंगा लाशें। कभी कहता शादी करना है, कभी कहता शादी नहीं करना, कभी कहता लाशें बिछा दूंगा। ले उसे होल्ड पे बात कर ले ना, उससे बात कर ले, तेरी बात कराता हूँ मैं, चल। तेरा नाम? तेरी हूँ लगता है। कहाँ थी कल, आई क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। देखा ना एक बार बोला था ना मैंने कि एक बार तू बात कर लेगा तो तेरे को पसंद आ जाएगी। वो देखा आई ना पसंद, तेरे को आ गई ना पसंद। हाँ इन पापा अच्छा ना निको ऐसे ऐसे कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्टर जयवंत डोगरा साहब? थार से बात कर रही, थार समझने चाहिए, मार के मालूम कहीं कह रही है थार। तू समझ रहा है? तू थार साहब से समझ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अरे समझ में कैसे आया, काम कर उससे बोल, तेलुगु में नहीं हिंदी में बोल के दिखा, हिंदी में देख, मैं तेरी तरह समझदार नहीं। तुझसे शादी करने से अच्छा है मैं मर जाऊं। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अरे उसको प्यार से समझा, चाकू माकू से मारने को थोड़ी समझ में आई उसको, उसका थोड़ा प्यार कर, प्यार कर, आई लव यू, आई लव यू बोल उसको, प्यार से कर उसको। हाँ 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से प्यार हो गया? हाँ बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है यार। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। अरे भाई तूने फिर गुस्सा कर लिया, फिर उसको अच्छा मान के थी, प्यार से मान के थी, बोल दी तूने, हाँ कर दी, फिर तू उसका ऐसे ऐसे क्यों गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। रॉन्ग नंबर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और है ना प्लीज जिंदगी में क्या करें, खूब खाए पिए, मुझे सपोर्ट करें, टेंशन ले ना, टेंशन ले ना, लड़ी करें ना, झगड़ा करें, बस प्यार करें, प्यार फैलाएं, और है ना हंसते रहे, मुस्कुराते गाते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लेकिन याद रहे अभी तक क्या करना है, जिंदगी एज करना है, कैश करना है, भागीदार टेस्ट करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी मस्त जियो, खाओ पियो, कुछ दिन की जिंदगी है और निकल जाएगी और मजा आ जाएगा। ये बाय बाय, टाटा जियो।